हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम टीवीएस एनटॉर्क 125 स्कूटर का इंजन रिवील्ड कैसे करें वो देखेंगे। इस वीडियो पे स्कूटी या स्कूटर इंजन रिवील टाइम क्या क्या गाइडलाइन है टोटल डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, फुल इन्फॉर्मेशन के लिए लास्ट तक बने रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप कभी भी स्कूटी या स्कूटर का इंजन रिवील करते हो तो आपको लेफ्ट साइड क्रैंकरेस पे क्रैंकशाफ्ट को इंस्टॉल करना है। सो ये देखिए लेफ्ट साइड क्रैंकरेस, और इस क्रैंकरेस पे सबसे फर्स्ट इंजन ऑयल फिल्टर को इंस्टॉल करते हैं। ये है इंजन ऑयल फिल्टर, हैंड से होल्ड करें और इंस्टॉल करें। अब इंजन ऑयल ड्रेन प्लग को लगा लेते हैं। प्लग लगाने के बाद 17mm सॉकेट से ड्रेन प्लग को टाइट करें। नेक्स्ट क्रैंकशाफ्ट इंस्टॉलेशन करना है। क्रैंकशाफ्ट इंस्टॉल करने से पहले लेफ्ट साइड क्रैंकरेस पे ये जो क्रैंकशाफ्ट बियरिंग सरफेस है इस पे थोड़ा सा इंजन ऑयल लगा लेना है। आप क्रैंकशाफ्ट को देखिए, इस साइड पे मैग्नेट इंस्टॉल होता है क्योंकि इस साइड पे ये देखिए मैग्नेट की लगाने के लिए ग्रुप है, और इस साइड सब देखिए वन गियर इंस्टॉल है। सो इस साइड क्लच साइड है, आपको इस साइड से सबको इंस्टॉल करना होगा। सो क्रैंकशाफ्ट इंस्टॉल करने से पहले क्रैंकशाफ्ट मेन बियरिंग पे थोड़ा सा इंजन ऑयल लगा लेना है। उसके बाद बोथ हैंड से क्रैंकशाफ्ट को होल्ड करें और इंस्टॉल करें। कभी भी क्रैंकशाफ्ट इंस्टॉल करते टाइम हैमर से क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ना मारे, ओनली हैंड प्रेस करके बियरिंग सरफेस पे इंस्टॉल करें। नेक्स्ट क्रैंकशाफ्ट सरफेस पे क्रैंकशाफ्ट बियरिंग परफेक्ट सेट हुआ या नहीं चेक कर लेते हैं। कनेक्टिंग रॉड को हैंड से होल्ड करें और मूव करें। क्रैंकशाफ्ट का इस पोजीशन पे कनेक्शन रॉड टच होना चाहिए और अदर पोजीशन पे भी टच होना चाहिए। उसके बाद क्रैंकशाफ्ट फ्री मूवमेंट है या नहीं चेक करें। सो इस क्रैंकशाफ्ट परफेक्ट सेट है। नेक्स्ट आपको राइट साइड क्रैंकरेस को इंस्टॉल करना है, बट इंस्टॉल करने से पहले क्रैंकरेस इस सरफेस पे आपको इंजन पेस्ट यूज करना होगा क्योंकि इस इंजन पे बोथ क्रैंकरेस का मिडिल पे गैस्केट यूज नहीं होता है। नेक्स्ट राइट साइड क्रैंकरेस पे ये जो बियरिंग सरफेस है इस पे भी थोड़ा सा इंजन ऑयल लगा लेना है। उसके बाद बोथ हैंड से राइट साइड क्रैंकरेस को होल्ड करें और इंस्टॉल करें। राइट साइड क्रैंकरेस को परफेक्ट सेट करने के लिए प्लास्टिक मैलेट से थोड़ा थोड़ा प्रेस करें। ये देखिए परफेक्ट सेट हो गया। नेक्स्ट ये सेम साइज 10 पिक 8mm बोल्ट्स को इंस्टॉल करना है। चलिए बोल्ट्स का पोजीशन पे बोल्ट्स को फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद 8mm टी स्पैनर के हेल्प से फाइनली टाइट करें। अब बारी है गियर बॉक्स को इंस्टॉल करने की। सो फर्स्ट क्लास शाफ्ट को लेना और शाफ्ट के ऊपर थोड़ा सा इंजन ऑयल लगा लेते हैं। उसके बाद बियरिंग पे शाफ्ट को इंस्टॉल करें, बट फाइनल सेट करने के लिए शाफ्ट के ऊपर प्लास्टिक मलेट से थोड़ा थोड़ा प्रेस करें। ये देखिए फाइनली सेट हो गया। एक बार शाफ्ट क्लच का फ्री रोटेशन चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इंटरमीडिएट शाफ्ट को इंस्टॉल करें, बट इंटरमीडिएट शाफ्ट इस साइड से इंस्टॉल होगा। आप रियर व्हील शाफ्ट को इंस्टॉल करें। सो शाफ्ट को हैंड से होल्ड करें और इस तरह छोड़ देना है। उसके बाद इंटरमीडिएट गियर को इंस्टॉल करें। इस गियर का ए डॉट मार्क या ए जो नंबर लिखा है उसके ऊपर साइड रखें और शाफ्ट पे इंस्टॉल करें। उसके बाद रियर व्हील शाफ्ट को स्टार्ट करें। ये देखिए परफेक्ट पोजीशन पे इंस्टॉल हो गया। गियर को ड्राइव कैसे मिलता है वो देख ले। तो फर्स्ट क्लच असेंबली क्लच शाफ्ट को ड्राइव देता है। क्लच शाफ्ट गियर इंटरमीडिएट गियर को ड्राइव देगा, और इंटरमीडिएट गियर इंटरमीडिएट शाफ्ट को ड्राइव देगा, और इंटरमीडिएट शाफ्ट रियर व्हील शाफ्ट को ड्राइव देता है। सो इस तरह पीछे का व्हील घूमना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट गियर केस कवर को इंस्टॉल करना है, बट इंस्टॉल करने से पहले गियर केस पे इंस्टॉल बियरिंग पे थोड़ा सा इंजन ऑयल लगा लेना है,
और गियर केस गैस्केट को लगाना है। उसके बाद गियर केस को इंस्टॉल करें। उसके बाद प्लास्टिक मैलेट के हेल्प से गियर केस के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेस करें और गियर केस को क्रैंक केस पे प्रॉपर फिट करें। गियर केस इंस्टॉल करने के बाद रियर व्हील शाफ्ट को फ्री रोटेशन होना चाहिए, उसको एक बार जरूर चेक करें। नेक्स्ट गियर केस के 7 पीक 12 mm बोल्ट्स को बोल्ट्स का पोजीशन पे इंस्टॉल करें। उसके बाद 12 mm सॉकेट या टी स्पैनर के हेल्प से फाइनली टाइट करें। चलिए टाइमिंग चेन को लगा लेते हैं। क्रैंकशाफ्ट पे इंस्टॉल टाइमिंग चेन पॉकेट पे टाइमिंग चेन को इंस्टॉल करें। आप सम टाइम के लिए कैमसेट गाइड को इस पोजीशन पे इंस्टॉल करें, नहीं तो चेन डिसलोकेट होने का चांसेस है। बट सिलेंडर इंस्टॉल टाइम कैम चेन पैड को निकालना होगा। इस पोजीशन पे ऑयल पंप को इंस्टॉल करना होगा, सो इस पोजीशन पे इंजन ऑयल फिल करना है। उसके बाद ऑयल पंप को इंस्टॉल करें। देखिए ऑयल पंप पे ये जो 2 पिक पिन ए पिन ए 2 होल्ट पे रखना है। आप ऑयल पंप गियर को थोड़ा सा रोटेट करें और इस बोथ होल्ड पे 10 mm बोल्ट्स को इंस्टॉल करें और 10 mm टी स्पैनर के हेल्प से ऑयल पंप को फाइनली टाइट करें। नेक्स्ट ऑयल पंप कवर को इंस्टॉल करें और ए ऑयल सेल पे थोड़ा सा इंजन ऑयल लगा लेना है। उसके बाद कवर को हैंड से होल्ड करें और इंस्टॉल करें। नेक्स्ट ऑयल पंप कवर का 8 पीक 8 mm बोल्ट्स को इंस्टॉल करें। उसके बाद 8 mm टी स्पैनर के हेल्प से फाइनली टाइट करें। आप सीवीटी डाइव सेट को असेंबली करते हैं, उसके बाद इंस्टॉल करना है। फर्स्ट मोबाइल ड्राइव स्पेसर को शाफ्ट पे इंस्टॉल करें, उसके ऊपर फेस मोबाइल ड्राइव को इंस्टॉल करें। आप 6 पीक रोलर मोबाइल ड्राइव को उसके ग्रुप पे इंस्टॉल करें। लास्ट मोबाइल प्लेट ड्राइव को ग्रुप के हिसाब से इंस्टॉल करें। सो सीवीटी ड्राइव सेट असेंबली हो गया। आप ड्राइव सेट को हैंड से होल्ड करें और बाहर निकालें और मोबाइल ड्राइव स्पेसर को भी बाहर निकालें। नेक्स्ट सीवीटी ड्राइव सेट को हैंड से होल्ड करें और इस तरह शाफ्ट पे इंस्टॉल करें। उसके मिडिल पे मोबाइल ड्राइव स्पेसर को इंस्टॉल करें। चलिए अब सीवीटी या क्लच सेट ड्राइव को असेंबली करते हैं। फर्स्ट फेस ड्राइव असेंबली को लेते हैं, उसके ऊपर फेस मोबाइल ड्राइव को हैंड से होल्ड करें और इंस्टॉल करें। मोबाइल ड्राइव को थोड़ा सा रोटेट करें और इस पोजीशन पे रखें। उसके बाद रोलर गाइड को पिन के साथ ग्रुप पे इंस्टॉल करें। ये रोलर 3 है, सो अदर ग्रुप पे सेम इंस्टॉल करें। अब ये देखिए थोड़ा बड़ा साइज कूलर स्प्रिंग बॉटम है और छोटा साइज कूलर स्प्रिंग टॉप है। सो कूलर स्प्रिंग बॉटम को फर्स्ट इंस्टॉल करते हैं। उसके ऊपर ये मोबाइल ड्राइव स्प्रिंग को इंस्टॉल करें और स्प्रिंग के ऊपर ये कूलर स्प्रिंग टॉप को इंस्टॉल करें। नेक्स्ट कूलर स्प्रिंग टॉप के ऊपर क्लच असेंबली को रखना है। उसके बाद बोथ हैंड से क्लच असेंबली के ऊपर प्रेस करें और क्लच नट को फर्स्ट थोड़ा हैंड से टाइट करें। उसके बाद क्लच नट टूल से फाइनली टाइट करें। अब बारी है क्लच शू असेंबली को बेल्ट के साथ इंस्टॉल करें और बेल्ट को मोबाइल ड्राइव स्पेसर के ऊपर लगाना है। नेक्स्ट फिक्स ड्राइव प्लेट को इंस्टॉल करना है इस पोजीशन पे। सो फिक्स ड्राइव प्लेट को हैंड से होल्ड करें और इंस्टॉल करें।
नेक्स्ट इसके ऊपर किक स्टार्टर रैचेट को इंस्टॉल करें और रैचेट के ऊपर इस स्प्रिंग वॉशर को इस साइड से लगाना है। उसके बाद फिक्स टाइप प्लेट को इस स्पेशल टूल से होल्ड करें और 22mm नट को 22mm सॉकेट के हेल्प से फाइनली टाइट करें। आप स्पेशल टूल्स को बाहर निकालें। चलिए अब किक कवर को असेंबली करते हैं। फर्स्ट किक कवर पे किक सब ग्रूव को इंस्टॉल करें। उसके बाद किक सब स्प्रिंग को इंस्टॉल करें। स्प्रिंग के ऊपर किक ड्राइव गियर को लगाना है। उसके बाद ड्राइव गियर पे स्प्रिंग एंड को लगाना है। उसके बाद ड्राइव गियर को थोड़ा सा रोटेट करें और किक शाफ्ट को नीचे की साइड प्रेस करें। अब किक शाफ्ट पे ये वॉशर लगाते हैं। उसके बाद सर्किट लॉक से किक शाफ्ट को लॉक करें। उसके बाद किक रैचेट को इंस्टॉल करें इस तरह। अब इसके ऊपर ए कवर को इंस्टॉल करें और फोर पीक फिलिप हेड्स क्यू को फिलिप हेड्स क्यू डाइपर के हेल्प से टाइट करें। नेक्स्ट किक पेडल को किक शाफ्ट पे इंस्टॉलेशन करें और उसके बाद किक पेडल को थोड़ा रोटेट करें। देखिए किक परफेक्ट सेट हो गया। अब बोथ हैंड से किक शाफ्ट कवर को होल्ड करें और कवर को इंस्टॉल करें। उसके बाद कवर का 6 पीक 8mm बोल्ट्स को 8mm टी स्पैनर के हेल्प से टाइट करें। चलिए आप मैग्नेट साइड इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन वे पे वन वे गियर को थोड़ा सा रोटेट करें और उसके बाद मैग्नेट शाफ्ट पे वन वे को गियर के साथ इंस्टॉलेशन करें और उसके ऊपर एक लॉक वॉशर है उसको लगाना है। उसके ऊपर 27mm नट को इंस्टॉल करें। उसके बाद 27mm लॉन्ग सॉकेट का हेल्प से टाइट करें। टाइट करने के लिए सीवीटी साइड पे फिक्स डाइव प्लेट को ए टूल से होल्ड करें और वन वे के 27mm नट को फाइनली टाइट करें और लॉक वॉशर से 27mm नट को इस तरह लॉक करें। उसके बाद वन वे ड्राइव गियर पिन को इंस्टॉल करें। उसके बाद वन वे ड्राइव गियर को इंस्टॉल करें। आप मैग्नेट साइड का इस पोजीशन पे गैस्केट को लगा लें। उसके बाद वन वे कवर को हैंड से होल्ड करके लगाना है। फिर 9 पीक 8mm बोल्ट्स को टाइट करें। नेक्स्ट मैग्नेट कॉइल को इंस्टॉल करें और मैग्नेट कॉइल का 2 पीक 8mm बोल्ट्स को लगाना है और 8mm टी स्पैनर से फाइनली टाइट करें। आप पल्सर कॉइल का 2 पीक फिलिप हेड्स क्यू को फिलिप हेड्स क्यू ड्राइवर के हेल्प से टाइट करें। उसके बाद मैग्नेट रोटर को हैंड से होल्ड करें और इंस्टॉल करें। उसके बाद मैग्नेट रोटर का 17mm बोल्ट्स को 17mm सॉकेट के हेल्प से फाइनली टाइट करें। आप मैग्नेट रोटर का टी मार्क को टीडीसी मार्क के साथ वन लाइन पे सेट करें। तो आप सिलेंडर और पिस्टन को इंस्टॉल करते हैं, बट करने से पहले एक बार पिस्टन रिंग गैप सेट भी करना है। सो चलिए पिस्टन रिंग सेट देख लेते हैं। ये जो एरो मार्क है ये एडजस्ट साइड पे रहेगा, इसके ऑपोजिट साइड इंटेक साइड पे रहेगा। सो टॉप वन रिंग गैप मिडिल मार्क से 60 डिग्री डिस्टेंस पे रहेगा लेफ्ट साइड और टॉप टू रिंग गैप मिडिल मार्क से 60 डिग्री पे रहेगा राइट साइड। नंबर 3 एंड 4 रिंग ए मार्क से 45 डिग्री पे रहेगा और ए मार्क से 45 डिग्री पे रहेगा नंबर 5 रिंग। सो देखिए टॉप 1 गैप इधर और टॉप 2 गैप इधर, 3 एंड 4 रिंग गैप इधर और इस पोजीशन पे 5 नंबर रिंग गैप रहेगा। सो चलिए पिस्टन इंस्टॉल करते हैं।
ये जो एरर मार्क है ये डाउन साइड और ऑपोजिट साइड अप साइड पे रखे। सो पिस्टन को हैंड से होल्ड करे और पिस्टन पिन को हैंड से पुश करे। नेक्स्ट ये जो पोजीशन है इस पे सर्किट लॉक से लॉक करे। अब सिलेंडर इंस्टॉल करते हैं, बट सिलेंडर इंस्टॉल करने से पहले ये कैम चेन पैड को बाहर निकाले। अब सिलेंडर को बोथ हैंड से होल्ड करे और सावधानी से सिलेंडर को इंस्टॉल करे और कैम चेन को भी एक हैंड से होल्ड करके रखे। ये देखिए पिस्टन और सिलेंडर परफेक्ट सेट हो गया। अब कैम चेन पैड लगाना है, बट पैड को इस पोजीशन सिलेंडर पे इस पोजीशन पे इंस्टॉल होगा। सो एक हैंड से कैम चेन को होल्ड करे और कैम चेन पैड को इंस्टॉल करे। चलिए अब सिलेंडर हेड को असेंबली करते हैं। सिलेंडर हेड को असेंबली करने के लिए सबसे फर्स्ट एक कैमशाफ्ट को इंस्टॉलेशन करें। कैमशाफ्ट को हैंड से होल्ड करें और कैम ग्रुप पे इंस्टॉल करें। उसके बाद कैमशाफ्ट स्टॉपर को उसके ग्रुप पे लगा लेते हैं और फिलिप हेड्स क्यू को फिलिप हेड्स क्यू ड्राइवर के हेल्प से टाइट करें। नेक्स्ट इंटेक साइड का रॉक आर्म पे इस तरह स्प्रिंग को इंस्टॉल करें। उसके बाद रॉकर आर्म को हैंड से होल्ड करें और उसके ग्रुप पे इंस्टॉल करें और रॉकर आर्म को एक हैंड से होल्ड करके लाइन अप करें और अदर हैंड से रॉकर पिन को इंस्टॉल करें। सेम एजेस साइड रॉकर आर्म पे स्प्रिंग को इंस्टॉल करें। उसके बाद एक हैंड से रॉकर को होल्ड करके लाइन अप करें, अदर हैंड से रॉकर पिन इंस्टॉल करें। नेक्स्ट कैमशाफ्ट स्टिफनर को इंस्टॉल करें और उसका टू पीक 12mm बोल्ट्स को 12mm टी स्पैनर के हेल्प से टाइट करें। अब जे हुक का हेल्प से इनलेट और एडजस्ट साइड रॉकर आर्म स्प्रिंग को स्प्रिंग पोजीशन पे लगा लेना है। सो ए हेड को असेंबली कर लिए। अब सिलेंडर पे हेड को बोथ हैंड से होल्ड करें और इंस्टॉल करें। उसके बाद कैम चेन को एक हैंड से होल्ड करें और अप साइड पे रखें। नेक्स्ट सिलेंडर हेड का 4 पीक 12mm बोल्ट्स को इंस्टॉलेशन करने से पहले 4 पीक वॉशर को इंस्टॉल करें। उसके बाद 12mm बोल्ट्स को इंस्टॉल करें और 12mm टी स्पैनर के हेल्प से फाइनली टाइट करें। आप टाइमिंग चेन स्पॉकेट को इंस्टॉल करें और स्पॉकेट पे डॉट मार्क ऊपर की साइड पे रखें। उसके बाद गाइड प्लेट को लगाना है। एक गाइड प्लेट का 2 पीक 10mm बोल्ट्स को 10mm टी स्पैनर के हेल्प से टाइट करें। आप कंब्यूशन प्लेयर के हेल्प से 2 पीक 10mm बोल्ट्स को लॉक करें। उसके बाद कैम चेन एडजस्टर को इंस्टॉल करें और एडजस्टर का 2 पीक 8mm बोल्ट्स को 8mm टी स्पैनर के हेल्प से टाइट करें और स्मॉल फ्लैट हेड स्क्यू ड्राइवर के हेल्प से चेक करें। एडजस्टर स्क्यू को ओपन करें और सबसे लास्ट इंजन हेड कवर को इंस्टॉल करें, बट ए सेल का कंडीशन चेक करें। अब इंजन हेड कवर का 4 पीक 8mm बोल्ट्स को 8mm टी स्पैनर से टाइट करें। सो फ्रेंड्स, ये था BS6 TVS Ntorq स्कूटर का इंजन रिवील का वीडियो। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। फिलहाल के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे।